नमस्कार, आप सभी का स्वागत है एनसीईआरटी के लाइव इंटरैक्टिव सेशन में। मैं हूं सिमरन सिंह और आप हमारा यह कार्यक्रम देख रहे हैं ई विद्या के चैनल नंबर 7 पर। और दर्शकों, अगले आधे घंटे के लिए हम साइंस का एक सत्र लेकर आए हैं कक्षा 7वीं के हमारे सभी विद्यार्थियों के लिए। और आज जो हम विषय पढ़ने जा रहे हैं वो बहुत महत्वपूर्ण है, हमारे जीवन से जुड़ा हुआ है, क्योंकि आज हम बातचीत करने वाले हैं फॉरेस्ट आर अ लाइफलाइन, यानी जो जंगल हैं, जो वन हैं, किस तरह से वो हमारे लिए बहुत ज़रूरी है और हमारे जीवन जीने के जो ढंग हैं उसमें हम कहीं ना कहीं फॉरेस्ट को भूल रहे हैं और डिफॉरेस्टेशन और बहुत से ऐसे तमाम चीज़ें हमारे आसपास हो रही हैं जिससे हमारे वन जो हैं उन्हें बहुत सा नुकसान झेलना पड़ रहा है। तो आज इसी विषय पर हम बातचीत करने वाले हैं कि ये फॉरेस्ट इतने महत्वपूर्ण क्यों हैं। और इससे पहले कि आपका परिचय कराएं हमारे मेहमान से, एक विशेष जानकारी G20 से जुड़ी हुई आप सभी के लिए। वी आर प्राउड ऑफ द फैक्ट दैट इंडिया अज्यूम द G20 प्रेसिडेंसी एंड विल कन्वीन द G20 लीडर्स समिट फॉर द फर्स्ट टाइम इन द कंट्री इन दिस ईयर, दैट्स 2023। द नेशन इज डीपली कमिटेड टू डेमोक्रेसी एंड मल्टीलेटरलिज्म। India's G20 presidency is a watershed moment in her history as it seeks to play a very important role by finding global pragmatic solutions for the well-being of everyone, and in doing so, manifesting the true spirit of Vasudhaiv Kutumbakam, or should I say the world is one family. तो चलिए आपका परिचय कराते हैं हमारे मेहमान से ऑनलाइन माध्यम से। हमारे साथ जुड़े हैं प्रोफेसर कृष्ण कुमार शर्मा सर। नमस्कार सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। नमस्कार सर। हैज सर्व्ड एज अ फॉर्मर वाइस चांसलर एट महर्षि दयानंद सरस्वती यूनिवर्सिटी फ्रॉम अजमेर। और व्यूअर्स, आप जानते हैं वो तमाम माध्यम जिनके ज़रिए आप हमारे साथ संपर्क साध सकते हैं। आज का हमारा विषय है फॉरेस्ट आर लाइफलाइन, और इसी के बारे में और जानकारी प्राप्त करते हैं हम प्रोफेसर शर्मा से। जी सर। फॉरेस्ट हमारी जीवन रेखा है, लाइफलाइन है। इस विषय पर क्लास 7th के अंदर 12 चैप्टर है और हमें इसकी जानकारी होनी चाहिए, बिकॉज वी लिव ऑन दिस अर्थ एंड इफ द फॉरेस्ट आर देयर देन आवर सर्वाइवल इज बेटर, इफ फॉरेस्ट आर नॉट देयर देन इट वुड बी वेरी डिफिकल्ट फॉर द ह्यूमन बीइंग टू सर्वाइव। तो हमें जीवन जीने के लिए इस लाइफ लाइन को बनाए रखना है, और मैं बहुत सिंपल तरीके से आपको बताऊंगा। ये पहली बार बार कई तरह के सवाल पूछते हैं बच्चों आपकी पुस्तक में, फॉरेस्ट आर आवर लाइफ लाइन, बट हाउ, ये फॉरेस्ट जो है ये लाइफलाइन कैसे है। फॉरेस्ट आर लाइफलाइन बिकॉज वी हैव सो मेनी थिंग्स कमिंग फ्रॉम द फॉरेस्ट। तो प्रोफेसर शर्मा, आप बताइएगा कि फॉरेस्ट लाइफलाइन कैसे है। तो मैं पहली का जवाब दे रहा हूं। हैव यू एवर विजिटेड फॉरेस्ट, पहली को मैंने कहा, ये देखिए मैं उसको बोल रहा हूँ कि क्या आपने फॉरेस्ट विजिट किया। पहली कहती है नो नेवर सर, आई हैव हर्ड ए लॉट अबाउट फॉरेस्ट, I am curious to know so many things about the forest, sir. तो मैंने पहले से कहा, बिल्कुल डियर स्टूडेंट्स, जस्ट लाइक पहली इज आस्किंग क्वेश्चन, मैं अब आपको बहुत बढ़िया अच्छे वीडियोज के साथ में, अच्छे कंटेंट्स के साथ में ये बताने जा रहा हूं कि फॉरेस्ट हमारी लाइफ लाइन कैसे है। सो लुक, ये पिक्चर है आपकी बुक के अंदर ही दे रखी है, इट्स ए फॉरेस्ट। या देखो बहुत सारी पत्तियां गिरी हुई है, बहुत सारे पेड़ हैं। आप में से कुछ लोगों ने फॉरेस्ट विजिट किया होगा, आप में से कुछ लोग फॉरेस्ट के आसपास भी रहते होंगे, लेकिन अब हम देखते हैं कि ओरे दिस इज ए फॉरेस्ट, या दिस इज फॉरेस्ट। इस फॉरेस्ट के अंदर हम देखते हैं बहुत सारे यहाँ पर पेड़ दिखाई दे रहे हैं, देर आर सो मेनी ट्रीज आर विजिबल हियर, और यहाँ जंगल में से आवाज आ रही है। ओरे फॉरेस्ट में सिर्फ ट्रीज नहीं है, there are so many animals are there in the forest, they are making their sound, और ये आवाज आप सुने, जब भी आप किसी forest में visit करें तो आपको ये आवाज, अरे ये जानवर की आवाज कैसे आई forest में से, ये forest हमको बिल्कुल शांत दिखाई दे रहा है। आप देखिए इसके अंदर बहुत सारे हो सकता है कि कुछ wild animals, they are moving, they are crying, so forest is composed of not only the plants but the forest they are also having animals। ये अभी हमने देखा सिमरन जी, आवाज आ रही थी ना बहुत ज्यादा बिल्कुल जंगल में से, है ना। तो अब ये फॉरेस्ट के बारे में कुछ छोटी छोटी चीज है, कैनोपी क्या होती है, अंडर स्टोरी क्या होती है। देखिए फॉरेस्ट के अंदर जो बड़े बड़े पेड़ होते हैं, ये ऊपर की जो मंजिल जब इसकी दिखाई होती है ना, सबसे ऊपर की मंजिल होती है जो मैंने अभी आपको दिखाया, ये जो मंजिल जो है ना सबसे ऊपर की जो दिखाई दे रही है ना, दिस इज अ एरियल व्यू, ये इसकी कैनोपी है।
और ये कैनोपी के नीचे अंडर स्टोरी है, जो छोटे पेड़ होते हैं वो अंडर स्टोरी में कैलकुलेट किए जाते हैं। तो बच्चों आप ये चीज ध्यान रखें, व्हाट इज कैनोपी एंड व्हाट इज अंडर स्टोरी। और ये कैनोपी विभिन्न शेप्स की होती है, जैसे आप ये देखें जहां हम हिमाचल की तरफ जाते हैं तो आपको इस तरह से पॉइंटेड दिखाई देते हैं, लेकिन ये अभी जो फॉरेस्ट मैंने दिखाया था इसमें राउंड शेप की ये कैनोपी दिखाई दे रही है। तो ये कैनोपी का क्राउन है ना, क्राउन माने मुकुट, तो फॉरेस्ट के अंदर कैनोपी एक मुकुट के रूप में। लेकिन आपकी इच्छा हो रही होगी जानने के लिए कि व्हेन वी टॉक अबाउट द लाइफ लाइन, फॉरेस्ट इज ए लाइफ लाइन, तो हमारे 2021 की जो सर्वे रिपोर्ट के अनुसार इट इज मेंशन दैट 80.9 मिलियन हेक्टेयर्स इज अवर फॉरेस्ट, इट्स 24.62% ऑफ द ज्योग्राफिकल एरिया ऑफ कंट्री। देखिए आप ये ग्रीनिश एरिया जो दिखाई दे रहा है, ये सारा ग्रीन ग्रीन फॉरेस्ट है, एवरीवेयर वी हैव गॉट लॉट ऑफ फॉरेस्ट। और ये फॉरेस्ट हमारे भारत के अंदर वेस्टर्न घाट्स, ईस्टर्न कोस्ट और बहुत सारे फॉरेस्ट भी, आप कभी जाएंगे ना तो आपको दिखाई देगा, अरे ये आपकी क्लास का एक बच्चा था, इसने कहा कि मैं तो फॉरेस्ट में जाऊंगा, तो ही इज मूविंग टू द फॉरेस्ट, और ये फॉरेस्ट के अंदर जा रहा है, इसको क्या क्या नजर नहीं आ रहा। अभी देखिए ये आपको एक मंकी नजर आ रहा है, ये एक बच्चे ने ली है, ये एक वल्चर दिखाई दे रहा है एक ही मरे जानवर को। देखिए यदि ये ओ बर्ड बैबलर आई और इसने अपने छोटे बच्चे को खाना खिलाया, इस तरह से ये डियर हरिन, बहुत सारे हरिन मूव कर रहे हैं फॉरेस्ट में, कितना ब्यूटीफुल सीन है। व्हेनेवर यू विजिट द फॉरेस्ट यू विल फाइंड ऑल दीज ब्यूटी इज देयर। सो आई एम थैंकफुल टू अनिल विश्वास, ही इज अ यंग स्टूडेंट, ही हैज मेड दिस डॉक्यूमेंट्री एंड ही हैज सीन इन द फॉरेस्ट दैट ये आपको अरे भालू आ गया, ये सांभर आ गया, दीज आर अंगुलेट्स आर देयर, बर्ड्स आर देयर, दे आर मेकिंग लॉट ऑफ एक्टिविटीज इन द फॉरेस्ट। सो ब्यूटिफुल फॉरेस्ट यू हैव सीन, एंड नाउ फ्रॉम योर बुक यू शुड नो हाउ द नीम लुक्स लाइक। नीम का पेड़ आपने देखा होगा कैसा लिखता है, ये शीशम जो होता है जिससे फर्नीचर वगैरह बनता है, सेमल का पेड़ जो है फॉरेस्ट में पाया जाता है, और ये बैम्बू, अरे वी हैव एंटर्ड इन द बैम्बू फॉरेस्ट एंड वी हैव सीन। सो इन योर बुक 12.4 फिगर टेल्स अबाउट द नेम ऑफ दिस कॉमन ट्रीज। सो फॉरेस्ट फ्लोर पर क्या है, पूरे पत्तियां बिखरी हुई पड़ी हुई हैं, और अभी मैं रिसेंटली अभी 3 दिन पहले इस फॉरेस्ट में था, दिस इज माई ओन वीडियोग्राफी आई शो यू, दिस इज अ ब्यूटिफुल मालवा रीजन इन मध्य प्रदेश, आई वॉज देयर इन दिस फॉरेस्ट एंड आई शो यू द ब्यूटी ऑफ दिस फॉरेस्ट इज बहुत सारे जीव जंतु। यू कैन सी द मालवा फॉरेस्ट हियर, ब्यूटिफुल एंड एक्टिविटी 12.1 ऑब्जर्व द वेरियस थिंग्स इन अवर योर होम। अब हमको ये देखना है कि हाउ द फॉरेस्ट इज हेल्पिंग अस, हमारे घर में क्या क्या चीजें ऐसे हैं। सो डियर स्टूडेंट्स जस्ट मेक ए टेबल, आप एक टेबल बनाए जिस टेबल के अंदर, जैसे मैंने दिखा रखा है कि हमारे घर के अंदर भी हम देखें तो जैसे आपको हनी मिल जाएगा, इट कम्स फ्रॉम फॉरेस्ट, हनी, वुडन टॉयज बनते हैं बिकॉज द वुड कम्स फ्रॉम द फॉरेस्ट, सीलिंग वैक्स होती है, ये सीलिंग वैक्स ऑल्सो कमिंग फ्रॉम द फॉरेस्ट, गम, कथा, ऑल दीज थिंग्स आर देयर। सो जस्ट मेक ए कि बबूल है उससे गम मिली, टिम्बर शीशम से मिला, नीम से मेडिसिनल प्लांट मिले, सैंडवुड से ऑयल भी निकलता है, इस तरह से आप एक पूरे लिस्ट बनाए, है ना, हमारे घर में जो पाए जाने वाले चीजों की आप एक लिस्ट बनाएं, और फिर एक छोटी सी एक्टिविटी और करें, आप कहीं भी फॉरेस्ट में भी जाएं तो आप छोटा सा एक पिट डिग करें, आपको पता लगेगा कि इस पिट के अंदर नीचे जैसे ही जाते हैं 1.5-2 फुट आपको थोड़ी गर्मी नजर आएगी। सो यू कैन ऑब्जर्व दैट सरफेस इज बिट कूल एंड लिटिल डीपर इट इज बिट वार्म। पहली ने पूछा देर आर सो मेनी ट्रीज हियर ऑल्सो देर आर मेनी फॉरेस्ट लाइक दिस, what difference will it take if we cut some trees from factory? तो प्रोफेसर अहमद थे, वो सबको समझा रहे थे भाई फॉरेस्ट में ऑटोट्रॉप्स होते हैं, मानी कि अपना भोजन खुद बनाते हैं, हेटरोट्रॉप्स होते हैं जो दूसरों पर निर्भर करते हैं, सेप्रोट्रॉप्स होते हैं, दीज आर इन बिटवीन द पैरासाइट्स। तो ये प्रोफेसर गए और बच्चों को समझा रहे हैं, लेकिन पहले को बोला कि कुछ पेड़ काटने से हमें नुकसान होता है, पेड़ क्यों काट रहा है, क्योंकि फॉरेस्ट हमारी लाइफ लाइन कैसे है, देखिए ट्रीज दिखाई दे रहे हैं, हॉग दिखाई दे रहा है, लीचेस दिखाई दे रहे हैं, फाइटोप्लैंक्टन्स हैं, राउंड वर्म्स हैं, देर आर सो मैनी वाटर एनिमल्स, देर आर सो मैनी लैंड एनिमल्स, देर आर सो मैनी ट्रीज, और ये एक दूसरे को खाते हैं।
जैसे क्रे फिश है, ये छोटे छोटे और स्मॉल ऑर्गेनिजम्स को खाते हैं, कुछ एल्गी को खाते हैं, फिर फिश है, फिश को ये हॉक खाएगा, दूसरे एनिमल्स है, तो इनकी एक चेन है, देर इज अ फूड चेन. फॉरेस्ट गिव्स टेक्स द कार्बन डाइऑक्साइड. यू नो द ब्यूटी ऑफ द फॉरेस्ट इज हम आज ऑक्सीजन इसलिए ले रहे हैं बिकॉज इट इज प्रोवाइडेड बाई द फॉरेस्ट. फॉरेस्ट ट्रीज दे आर गिविंग ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस. फोटोसिंथेसिस आप जानते हैं ना कि प्रकाश की रोशनी के अंदर प्लांट्स जो है वो कुछ सिंथेसिस करते हैं. फोटो इज प्लांट, फोटोन इज द सन रेज एंड सिंथेसिस बाय द प्लांट्स इज फोटोसिंथेसिस. और बदले में क्या देते हैं, हमको ऑक्सीजन देते हैं, ये फूड बनाते हैं, ऑक्सीजन देते हैं. अच्छा, फिर जमीन के अंदर न्यूट्रिएंट्स हैं, बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स मिनरल्स हैं, देन डिकम्पोजर्स आर देयर. बहुत सारी पत्तियां वत्तियाँ गल जाती हैं, कुछ जीव जंतु गल जाते हैं, डिकम्पोजर्स उनको वापस मिट्टी में कन्वर्ट कर देते हैं, मिनरल्स में कन्वर्ट कर देते हैं. सॉइल है, वाटर है, ये पूरा चक्र चलता रहता है. हमें कार्बन डाइऑक्साइड हम छोड़ते हैं जो ये प्लांट्स हमें मदद करते हैं. देखिए, हानिकारक गैस को खुद लेते हैं और अमृत गैस ऑक्सीजन को हमको देते हैं. दिस इज द ब्यूटी ऑफ द फॉरेस्ट. पहले ने कहा कि मैं अपने कुछ घर के जगह पर देखती हूँ तो मेरे को ये सैपलिंग्स नजर आती है. पीपल एक पेड़ होता है, चिड़ियाएं जब पीपल के फ्रूट्स खाती हैं वो कहीं भी उसको अपने फीकल मटेरियल में डाल देती हैं, तो उसके बीज जो हैं ये इस तरह से छोटे से सैपलिंग्स बना लेते हैं. एक डियर है, ये फॉरेस्ट के अंदर पत्तियां खा रहा है, सूखी या उसको फल मिल रहे हैं. एक मंकी दिखा रहा है. दिस इज इन योर बुक दैट हाउ द फॉरेस्ट इज प्रोवाइडिंग लाइफ टू डिफरेंट एनिमल्स. So, एक बहुत खूबसूरत चीज है जो आपको बताना चाहते हैं, फॉरेस्ट आर देयर. लेकिन इन दिनों आप बहुत सारे फ्लड्स के बारे में जानते हैं, बहुत फ्लड्स आ रही हैं. बरसात जब आती है, तेज बूंदें आती हैं, तो हमारी कैनोपी उनको छोटी छोटी बूंदों में कन्वर्ट करके उनको ऐसे बनाते हैं कि बहुत तेज धार नहीं होती है. ये रोजाना लैंडस्लाइड्स वगैरह इसलिए होते हैं बिकॉज द फॉरेस्ट कवर इज गॉन. तो कैनोपी हमारी तेज बरसात की जो धार है उसको रेगुलेट करती है. अब ये पहेली और बूझो इनकी माँ जो कहते हैं, फॉरेस्ट डिसअपियर द अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन एयर विल इंक्रीज रिजल्टिंग इन द इंक्रीज ऑफ अर्थ टेम्परेचर. दिस इज फ्रॉम योर बुक, मैंने ये आपकी बुक से लिया है कि यदि फॉरेस्ट डिसअपियर हो जाते हैं तो हमारे टेम्परेचर तो बढ़ जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड भी बढ़ जाएगी, ग्रीन हाउस गैसेज बढ़ जाएंगी, तो हमें फॉरेस्ट चाहिए. देखिए, बहुत अच्छा फॉरेस्ट है, सब कुछ सही चल रहा है, लेकिन यदि हमने इनको पेड़ों को काट दिया और धुआं ही धुआं होगी, कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ जाएगी. इन द एब्सेंस ऑफ ट्रीज, पेड़ पौधों के नामौजूदगी के अंदर, देखिए, इन द एब्सेंस ऑफ ट्रीज एंड प्लांट्स द एनिमल्स विल नॉट गेट फूड. एनिमल्स को फूड नहीं मिलेगा बिकॉज देर आर मेनी एनिमल्स. हर्बीवोर्स जिनको बोलते हैं, जो शाकाहारी है, दे आर टोटली डिपेंडेंट ऑन द फ्रूट्स लीव्स विच आर प्रेजेंट ऑन द ट्रीज. इन द एब्सेंस ऑफ ट्रीज द सॉइल विल नॉट होल्ड वाटर विच विल कॉज फ्लड्स. आप रोजाना आज टेलीविजन पर दिखाई दे रहा है उत्तराखंड के अंदर, हिमाचल के अंदर फ्लड्स आ रही है बिकॉज वी हैव रिमूव मोस्ट ऑफ द फॉरेस्ट. फॉरेस्ट नहीं है, इसकी वजह से क्या है कि जो रूट्स ने जमीन को बांधे रखी थी वो रूट्स, वो जमीन ढीली हो गई है. डिफॉरेस्टेशन विल एंडेंजर अवर लाइफ एंड एनवायरमेंट. थिंक वाट वी कैन डू टू प्रिजर्व अवर फॉरेस्ट. अब ये सोचना चाहिए. देखिए, ये अच्छा फॉरेस्ट था पिक्चर नंबर वन में. पिक्चर नंबर टू में All animals, plants are living happily. But see the deforestation. ये arrow जो दिखाई दे रहा है, same arrow is here. And what is the result? और सर, यहाँ पे जैसे हमने चर्चा की, जो चार पॉइंट्स आपने यहाँ पर मेंशन किए कि किस तरह से एब्सेंस ऑफ ट्रीज की वजह से ऐसा क्या क्या नुकसान है जिसकी हम भरपाई भी नहीं कर सकते, तो ऐसा हो रहा है. मनुष्य की बहुत सी अधिक गतिविधियां हैं जिनके कारण हमारा जो वन है या फॉरेस्ट कवर है वो कम होता जा रहा है. पर क्योंकि खास तौर पर कक्षा सातवीं के विद्यार्थियों के लिए हमारा ये सत्र है, तो हमारे छोटे छोटे बच्चे अपने लेवल पे, अपने स्तर पे ऐसा क्या कर सकते हैं कि एक पर्यावरण अनुकूल जीवन शैली का वो हिस्सा बने. बहुत बढ़िया सिमरन जी, आपने बहुत अच्छा एक कमेंट किया कि सेवन्थ स्टैंडर्ड से पहले सिक्स स्टैंडर्ड के अंदर कंजर्वेशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स इन्होंने पढ़ा हुआ है, इसलिए इनको थोड़ा बैकग्राउंड पता है. ये बहुत अच्छी भूमिका निभा सकते हैं. आई हैव सीन ऑन द डॉक्यूमेंट्स दैट वी हैव गॉट लार्ज नंबर क्रोर्स ऑफ चिल्ड्रन, स्कूल गोइंग चिल्ड्रन एंड यूथ. इट गोज मोर देन 70%. हमारा इतना बड़ा युवा है, यदि उनके अंदर सोच डेवलप हो जाए
देखिए हमारे जो स्टूडेंट्स हैं पढ़ाई कर रहे हैं, पढ़ाई करने का उद्देश्य ही होता है ये चैप्टर, इसलिए एनसीईआरटी ने रखा है, सीबीएसई ने सिलेबस में रखा है कि वी शुड डेवलप अवेयरनेस, स्टूडेंट शुड नो एट दिस एज कि हमें फॉरेस्ट को बचाना है, बिकॉज यदि हमने फॉरेस्ट नहीं बचाया है, ये देखिए ब्यूटीफुल फॉरेस्ट, आप देखिए अफ्रीका के अंदर जो जेबरा मूव कर रहे हैं, मैंने एक बहुत अच्छा है ये आपको एक यहाँ पानी की धार आ रही है, झरना बह रहा है, ये एनिमल्स कितना खूबसूरती के अंदर इसका एंजॉय कर रहे हैं, बट डिफॉरेस्टेशन यू जस्ट सी, कुछ लोग जंगलों में आग लगा देते हैं, नेचुरल फायर तो होती है लेकिन जंगलों में आग लगा देते हैं, ये आदमी पेड़ को काट काट के गिरा के देखिए क्या हाल कर दिया, चारों तरफ फॉरेस्ट दिखाई दे रहे हैं, बट यू कैन सी ही इज कंटिन्यूअसली कटिंग द ट्री, और ये हमारा जंगल जो है धीरे धीरे खत्म होता जा रहा है, दीज आर दी बैड सिचुएशंस बिकॉज वी हैव रिमूव द फॉरेस्ट, द कार्बन डाइऑक्साइड इज नॉट प्रॉपरली एब्जॉर्ब, हमारी फैक्ट्रियां हैं, हमारी फैक्ट्रियां कार्बन डाइऑक्साइड एमिट कर रही हैं, बट दीज गैसेज विच आर बींग एमिटेड, ग्लोबल वार्मिंग, आप रोज ना ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, क्लाइमेट चेंज हो रहे हैं, कहीं ग्लेशियर पिघल रहे हैं, ये इसी की कारण है कि हमने अपने फॉरेस्ट की ये हालत बना दी लगातार कटिंग करते हुए, नाउ सी द अर्थ, चारों तरफ से अर्थ के ऐसा एनवायरमेंट बन गया जस्ट लाइक दैट द अर्थ इज बर्निंग, और रिजल्ट क्या आता है, कभी फ्लड तो कभी ड्रॉट, हमने जो सिस्टम बदल दिया, व्हेन वी हैव डिस्ट्रॉयड अवर फॉरेस्ट, आई हैव मेंशन इन द बिगिनिंग दैट व्हाट इज द परसेंट ऑफ द फॉरेस्ट वी आर हैविंग, बट वी हैव रिड्यूस्ड देम, और उसका नतीजा है कहीं ड्रॉट हो रही है और कहीं फ्लड फ्लड है, आप ये देखो दोनों सीन में आपको दिखा रहा हूँ कि डिफॉरेस्टेशन हैज रिजल्टेड इन सो मेनी थिंग्स, अभी बुजो एंड पहली की माँ ने बताया कि यदि जंगल कट जाएंगे तो क्या हो जाएगा, सूखा, ड्रॉट और ये फ्लड, मकान गिर रहे हैं, आपने अभी रोजाना अभी मैं टेलीविजन देख रहा था तो इन उत्तराखंड देर आर सो मेनी हाउसेस बिकॉज द रूट्स विच आर बाइंडिंग द सॉइल, देखिए जड़ें जो होती हैं जमीन को बांधे रखती हैं, लेकिन हमने पेड़ काट दिए, जड़ बिल्कुल हट गई है, अब सॉइल पर जब भी पानी बरसेगा वो पूरा बह कर जाएगा, ये स्थिति निकल के आ जाएगी, हमें इस स्थिति को बचाने के लिए सिर्फ एक काम करना है कि वी नीड टू, देयर इज नीड टू प्रोटेक्ट अवर एनवायरनमेंट, वी नीड टू प्रोटेक्ट अवर फॉरेस्ट, वी नीड टू प्रोटेक्ट अवर एनिमल्स प्लांट स्पीसीज, देन वी कैन हैव ए लाइफ लाइक दिस, ये आप जीवन देख रहे हैं, आप जो है सेलिंग कर रहे हैं, आप पैराग्लाइडिंग कर रहे हैं, छोटे छोटे पक्षी ये देखिए दिखाई दे रहे हैं, और ये सारी सिचुएशन कब है, वेन वी आर कीपिंग अवर फॉरेस्ट अलाइव and these animals are enjoying. If we are keeping our forest alive, we can enjoy it. The earth can become beautiful. Let's say the earth should remain like this. You go to Pachmadi, Madhya Pradesh के अंदर Pachmadi है, बहुत अच्छा forest है. आप आसपास के जंगलों के अंदर जाएंगे तो ये tiger के cubs हैं, ये अटखेलियां करते नजर आएंगे. They are maintaining. See, they are maintaining the forest properly. यदि आप फॉरेस्ट जाएं, देखिए एक तो फॉरेस्ट जब भी जाएं तो अपने किसी, यदि किसी घने जंगल में जाएं तो किसी टीचर के साथ में जाएं, अपने पेरेंट्स के साथ में जाएं, पूरी सेफ्टी बरतते हुए जाएं, ऐसा नहीं होना चाहिए जंगल में हम निकल गए कैमरा लेके, यू कैन सी टाइगर इज ऑन द रोड एंड दीज आर दी सम स्टूडेंट्स आर देयर, सम टूरिस्ट आर देयर, दे आर वॉचिंग, यू कैन सी दिस लोग, वी आर हियर, फॉरेस्ट है, अभी फॉरेस्ट के अंदर आप देखें ये आपको अंडर सोरी प्लांट्स भी नजर आएंगे, कैनोपी भी नजर आएगी, और ये नीचे बिल्कुल पत्तियां जो झड़ी हुई होती है ना सिमरन जी, पत्तियां गिर जाती है नजर आती हैं जी, और बहुत सारे जानवर जब ये चलते हैं तो इसकी आवाज आती है, अब छोटा सा मैं आपको, क्योंकि अंत में हमको ये भी तो जानना है, व्हाट इज द आउटकम ऑफ अवर जस्ट अंडरस्टैंडिंग दिस टॉपिक, आई एम श्योर दैट यू हैव अंडरस्टूड दिस कीवर्ड्स, कैनोपी क्या होती है, कैनोपी मैंने आपको बताया इट्स ए क्राउन ऑफ द फॉरेस्ट जो ऊपर से दिखाई देता है, क्राउन का मतलब समझ में आ गया होगा, जो बड़े पेड़ जो होते हैं उसका ऊपर का जो हिस्सा होता है दिस इज क्राउन, डिकम्पोजर्स कौन से होते हैं अभी मैंने बताया था, है ना डियर स्टूडेंट्स, आई एम श्योर दैट यू गॉट दिस पॉइंट, जब जमीन पर सड़ी गड़ी गली पत्तियां या और कोई छोटे मोटे मरे जानवर होते हैं तो डिकम्पोजर्स आर बैक्टीरिया सम फंजाई, ये उसको बिल्कुल वापस मिट्टी में कन्वर्ट कर देते हैं, एक वर्ड आया था अभी डिफॉरेस्टेशन, जंगल उजाड़ देना, जंगल खत्म कर देना, तो हमें इस टर्म से समझना चाहिए, वी डोंट हैव टू डिस्ट्रॉय द फॉरेस्ट, ह्यूमस, जब भी अपन कहीं मिट्टी खोदते हैं वहां पर आपको पत्तियां गली सड़ी पत्तियां ये नजर आती है ना, दिस इज
ह्यूमस एरिया ऑफ दी फॉरेस्ट रीजनरेशन। रीजनरेशन देखिए, आपने कई बार देखा कि नेचुरली भी पेड़ गिर जाते हैं और उन पेड़ों की छोटी छोटी सैपलिंग्स नीचे उनके बीच से निकल के आते हैं, एंड दिस इज द रीजनरेशन ऑफ द फॉरेस्ट। सीड डिस्पर्सल, हाथी है, खाता है, चलता रहता है, उसका फीकल मटेरियल होता है, उस फीकल मटेरियल के अंदर बहुत सारे सीड्स होते हैं। और आपने खुद ने बर्ड्स ने में देखा होगा, बर्ड्स फ्रूट्स खाते हैं, कहीं भी अपना वो बीट या फीकल मटेरियल डाल देती है वहां से। जैसे अभी आपको पीपल का मैंने सैपलिंग्स दिखाई थी, सॉइल इरोजन, ये भी समझ में आ गया होगा। जब हमने फॉरेस्ट खत्म कर दिए, जब हमने मिट्टी को ढीली कर दी, जब जड़े नहीं है, तो मिट्टी भी बरसात के साथ में धीरे धीरे खिसकती हुई। और देखिए, मिट्टी जब खिसकती है और लूज फॉरेस्ट है, तो वहां पर लैंडस्लाइड होता है। आप रोजाना खबरें पढ़ते हैं, अंडर स्टोरी, जो क्राउन के नीचे का पूरा एरिया है, दैट इज द अंडर स्टोरी। सो डियर स्टूडेंट्स, आई एम श्योर दैट यू गॉट ऑल दीज पॉइंट्स, एंड आई एम श्योर आई ब्रिंग बैक टू the first situation when we have seen the forest in a manner that the forest remains happy and healthy until unless we maintain them happy and healthy। यदि हमको नीम, शीशम, सीमल, ये बड़े पेड़ों को बचाए रखना है, हमें बहुत सारे benefits मिलते हैं। और आप भी जा सकते हैं, अध्ययन करने के लिए जा सकते हैं, you can see the beauty of the forest, but please keep in mind you have the responsibility, our youth has got the responsibility, that in India in 80.9 million hectares, which is 24.62% of the geographical area of our country। देखिए, forest कितना बड़ा geographical area का, only 24% ये आपको greenish दिखाई दे रहा है। Dear students, it is our responsibility to understand this topic simultaneously, that our forest should not become less than 80.9 million hectares, बल्कि बढ़ना चाहिए। परसेंट ऑफ द फॉरेस्ट शुड, ये हमारी जिम्मेवारी है सिमरन जी। इस टॉपिक के थ्रू जो टेक होम मैसेज जो जाएगा, वो ये जाएगा कि वी शुड प्रोटेक्ट अवर ट्रीज। बिल्कुल। सो एनी क्वेश्चन और एनीथिंग यू लाइक टू आस्क? जी सर, एक सवाल मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, पर समय बहुत कम है, तो मैं चाहूँगी कि संक्षिप्त रूप से आप उसे हमारे दर्शकों तक पहुँचाएँ। जैसे सर, आपने कई विजुअल्स यहाँ पर हमें दिखाए, कहीं पर फ्लड है, कहीं पर ड्राउट है, सूखा पड़ा है या बाढ़ आ गई है, और जिस भी प्रकार की जो प्राकृतिक आपदाएँ आती हैं जिसका मनुष्य को सामना करना पड़ता है, तो क्या ये हमारी अपनी गतिविधियों की वजह से है कि हमें इस तरह की नेचुरल कैलामिटीज़ का सामना करना पड़ता है? ये बिल्कुल आपने सही कहा, नेचुरल डिजास्टर्स आर वेरी फ्यू विच डिस्ट्रॉय द फॉरेस्ट। नेचुरल जो डिजास्टर्स है ना, जैसे गर्मी होगी, बरसात होगी, बट दीज डिजास्टर्स आर द एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटीज। ये जो मैं दिखा रहा हूँ ना, पेड़ काटना, वी आर रिस्पॉन्सिबल। आई हैव सीन, आई हैव ऑब्जर्व, मैं बहुत सारे फॉरेस्ट में पूरे भारत में जाकर देखता रहता हूँ, लोगों को बताता भी रहता हूँ कि भाई डोंट डिस्ट्रॉय द ट्रीज। आप ये ट्रीज डिस्ट्रॉय नहीं कर रहे हैं, आप ह्यूमन लाइफ डिस्ट्रॉय कर रहे हैं, आप अपने छोटे छोटे लालच के लिए। सो आई एग्री विद यू सिमरन जी दैट मोस्ट ऑफ द डैमेजेस टू द फॉरेस्ट हैव बीन डन बाय द ह्यूमन बींग्स। वेरी लिटिल डैमेज, नेचर को आप डिस्टर्ब करेंगे तो नेचर डैमेज करेगी, लेकिन वो नेचुरल डिजास्टर्स होते हैं, उसको वो नेचर रिकूप भी करती है, उसको कंपनसेट करती है, रिजनरेट करती है। परंतु ये जो एक्टिविटी आप देख रहे हैं ना, जंगल में आग लगा देना, अभी मैं गोवा के पास में एक दूध सागर के पास में एक फॉरेस्ट में गया, वो लोगों ने आग लगा दी जंगल में, जानवर इधर से उधर भाग रहे हैं, ये एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटीज है जिसको हमको रोकना है। बिल्कुल। और हमें अंत में आके ये बूझो और पहेली, इनको बिल्कुल कन्विंस करना है कि यस, देखो डियर स्टूडेंट्स, हैव ए लुक एट द फॉरेस्ट। और अब बूझो और पहेली को प्रोफेसर साहब बता रहे, एंड आई एम श्योर नाउ पहेली शुड बी कन्विंस कि बहुत सारे इसके क्यूरियस क्वेश्चंस हमने ले लिए थे। जी सर, सर बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी आज आपने इस सबक के माध्यम से हमारे दर्शकों के साथ साझा की है, और मुझे पूरी उम्मीद है कि ये एक चैप्टर केवल एक पाठ के रूप में ही सीमित नहीं रहेगा, बल्कि इससे हमारे बच्चे एक संदेश भी लेंगे कि किस तरह से वन, जंगल या फिर हमारा पर्यावरण जो है, वो हमें एक बेहतर जीवन प्रदान करता है। सर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। थैंक यू वेरी मच, एंड आई एम श्योर जो सिमरन जी ने अभी मेरे से पूछा और मैं आपको बता रहा हूँ कि टेक होम मैसेज
जो यही लेकर जाएं कि आप ये देखिए इतना बड़ी संख्या में हमारे क्रोर्स में यंग स्टूडेंट्स हैं, आप यदि ठान लें कि नहीं हमें फॉरेस्ट बचाना है, चलो काट रहे हैं, आप गवर्नमेंट एजेंसीज को बोले कि प्लीज डोंट डू इट, हमारे यूज के लिए थोड़ा बहुत ले सकते हैं, फॉरेस्ट से हम कुछ सामान ले सकते हैं, वैक्स ले सकते हैं, फॉरेस्ट ने हमें बहुत सारी चीजें दी है, बी दिया है, लेकिन हम ये कहें कि सस्टेनेबिलिटी बनी रहे, फॉरेस्ट भी जिंदा रहे, हम भी जिंदा रहे। जी सर, बिल्कुल सही कहा आपने, भारत एक ऐसा देश है जिसमें सबसे ज़्यादा युवा चेहरे हैं, और यदि देश के सारे युवा ये ठान लें जैसा कि आपने कहा कि हमें अपने फॉरेस्ट कवर को और इंक्रीज़ करना है बल्कि उसे कम नहीं करना, तो मुझे लगता है हम एक लंबी जंग जो है वो जीत सकते हैं। आपका एक बार पुनः धन्यवाद करते हैं, और जितने भी दर्शक हमारे साथ इस सत्र में बने हुए थे आप सबका भी बहुत बहुत शुक्रिया। कहीं मत जाइएगा, कुछ ही समय में हम फिर से हाजिर होंगे गणित का एक सत्र लेकर कक्षा 7वीं के सभी विद्यार्थियों के लिए। हमारा विषय रहेगा एरिया एंड पेरीमीटर पार्ट 4। और दर्शकों, इससे पहले कि आप विदा लें, एक विशेष जानकारी आप सभी के लिए। यह जानकारी एनसीईआरटी की विभिन्न पाठ्य पुस्तकों से जुड़ी हुई है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि शैक्षणिक सत्र 2023 से 2024 के लिए एनसीईआरटी की विभिन्न पाठ्य पुस्तकें पूरे देश में उपलब्ध हैं। आप इन्हें एनसीईआरटी के सेल्स काउंटर से भी खरीद सकते हैं। इसके अलावा आप इन पाठ्य पुस्तकों के लिए ऑनलाइन ऑर्डर भी प्लेस कर सकते हैं, और यदि आप इन्हें पीडीएफ यानी सॉफ्ट कॉपी वर्जन में डाउनलोड करके पढ़ना चाहें तो उसके भी तमाम माध्यम हैं, जैसे दीक्षा प्लेटफॉर्म, ई पाठशाला वेबसाइट, एनसीईआरटी की अपनी मोबाइल एप्लीकेशन। इसके अतिरिक्त यदि और जानकारी आप प्राप्त करना चाहते हैं ऑथराइज्ड वेंडर्स के बारे में, तो आप वो भी कर सकते हैं एनसीईआरटी की ऑफिशियल वेबसाइट को एक्सप्लोर करके, यानी www.ncert.nic.in। आप सभी बने रहिए ई विद्या चैनल्स के साथ, एनसीईआरटी ऑफिशियल भी देखते रहिए। कुछ ही समय में गणित के एक सत्र के साथ हम फिर से हाजिर होंगे। नमस्कार।